actor-producer John Abraham and Diana Penty starrer Parmanu, The Story of Pokhran is all set to hit the theaters on May 25. John is currently busy promoting the film. In an interview with John and director Abhishek Sharma, the actor said that the film is dedicated to former President late APJ Abdul Kalam and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee for their key contribution in Pokhran nuclear test. हमने जितना भी रिसर्च किया उसको हमने इंटैक्ट रखा तो दिस फिल्म इज अबाउट 80-85% फैक्चुअल इसमें जो फिक्शनल चीज़ है वो मेरा कैरेक्टर है जो फिक्शनल है मेरे अलावा कलम साहब का नाम या चिदंबरम जो उस वक्त पे साइंटिस्ट थे काकोटकर साहब जितने सारे लोग थे इन्वॉल्व इस मिशन में उनका नाम हमने चेंज किया बिकॉज यू गेट इनटू अ बायोपिक इश्यू राइट्स इश्यू तो नाम चेंज किए But the film is dedicated to Kalam Saab. And we are very proud to say that it is dedicated to him. And of course, Vajpayee Ji, who actually, the both of them, who planned this together. So I think it's a very, it was, मुझे लगता है कि independence के बाद अगर एक defining event था इंडिया में, it is the Pokhran test that happened in 98. I think 3-4 साल पहले आया था मुझे हमेशा से ये मुझे गर्व तो था ही क्योंकि मैं 1998 में मेरे सामने हुआ था ये तब मैं मात्र 20 वर्ष का था लेकिन 3-4 साल पहले कोई एक आर्टिकल था जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ था दिमाग में कि इस पे फिल्म क्यों नहीं बनी है The film is based on the nuclear bomb test explosions conducted by the Indian Army at Pokhran in 1998. John also talked about his character in the film and say that the real hero of the film is always the script and director. जी, in fact story बहुत ही अलग है, बहुत ही different story है, और इसमें मैं army में नहीं हूँ, मैं एक junior bureaucrat हूँ जो prime minister के office में काम करता हूँ, लेकिन I think very importantly this is a very different film. क्योंकि जे एंटरटेनमेंट जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है ज़्यादातर हम लोग नॉन फॉर्मूला फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो जब ये अभिषेक इसी रूम में आए थे मुझे ये आइडिया सुनाने मुझे बहुत ही पसंद आई और हम दोनों ने सोचा कि व्हाई हैवंट वी मेड अ फिल्म लाइक दिस बिफोर और फाइनली आई मीन थैंक्स टू अभिषेक और क्रेडिट इन्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि फिल्म का हीरो हमेशा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर होता है एंड आई थिंक ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस फिल्म